नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डेनर दोस्त। अगर मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर इंस्टाग्राम पे है तो वहाँ भी फॉलो करें। आप देख रहे हैं आज लिलियम का प्लांट जो कि मैंने नर्सरी से बल्ब लाया था। बल्ब से मैंने 7-8 बल्ब लाए थे। आप भी किसी भी नर्सरी से अभी पौधा ला सकते हैं। अगर आपके अगर सितंबर के बाद देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर में तो आप बल्ब ला सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आपके क्षेत्र में नहीं मिले तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये सभी जगह इसका बल्ब नहीं मिलता। देखिए ये देखिए मेरे पास कितना 7 प्लांट है, जिसमें 2 छोटा बल्ब जो ले आए थे उससे छोटा छोटा प्लांट हो गया है, वो फ्लावर नहीं दे रहा है। आप ये देखिए ये मेरा बल्ब है, या आप भी ऐसा ही बल्ब लाएं और ऐसा ही गड्ढा खान दें। नहीं तो आप अगर गमला में लगाना चाहते हैं तो 50% मिट्टी, 25-25% और 50% मिट्टी, 50% वर्मी कंपोस्ट, आप थोड़ा सा नीम खली और फंगीसाइड मतलब 1 चम्मच मिला के आप ये सब मिला के आप लगा सकते हैं। और उसके बगल में एक स्टिक लगाने के लिए जगह छोड़ दें, मतलब स्टिक लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका फ्लावर जो होता है सो बहुत बड़ा होता है। इसके लिए आपको स्टिक की आवश्यकता होगी। अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तो मेरे तरह लगाएं, इसमें फंगीसाइड और वर्मी कंपोस्ट मिला दें। मेरे पास तो 3-4 साल का वर्मी है, इसलिए आप वर्मी कंपोस्ट के साथ लगाएं। पहले थोड़ा स्प्राउट से नीचे तक आप उसको ढके, स्प्राउट बाहर निकलने दें, नहीं तो आपका स्प्राउट अगर बाहर निकला नहीं रहेगा तो अंदर मर जाने का चांस रहेगा। ओवर वाटरिंग नहीं होने दें, नहीं तो प्लांट सूख बल्ब खराब होने का डर रहता है। सबसे ज़्यादा फंगस अटैक का डर रहता है। मेरा एक जो बल्ब था सो बरसात के ऋतु में थोड़ा उसमें पानी ज़्यादा लग जाने से वो सूखने लगा, लेकिन तुरंत हम बलुई मिट्टी ऊपर से रख दिए जिससे वो प्लांट तुरंत लग गया, लेकिन फ्लावर उसमें आना, 1-2 फ्लावर आए हैं। आप भी किसी भी नर्सरी से लाएं और अभी प्लांट ला सकते हैं। हमें तो इसका बल्ब देखिए ये छोटा वाला बल्ब है, इसी से मेरा प्लांट छोटा हो गया है। आप छोटा बल्ब नहीं लाएं, जो भी लाएं सो बड़ा बड़ा बल्ब देख के लाएं। अगर छोटा बल्ब लाइएगा तो प्लांट लगने में देखिए ये बड़ा बड़ा वाला बल्ब है, जैसे बड़ा फ्लावर आया है। देखिए मेरा स्प्राउट निकल गया, ये 10 दिन बाद है। आप 10 दिन बाद का देखिए, उसके बाद इसमें तुरंत इसमें वर्मी कंपोस्ट इसलिए आवश्यकता, और अगर आप कोई भी खाद देना चाहते हैं तो खाद भी दे सकते हैं क्योंकि इसको तुरंत एनर्जी चाहिए। देखिए ये मेरा खिलने वाला है, ये 1 दिन में ही आपका सारा फ्लावर खिल जाएगा अगर आप ठीक से पानी उनी पानी खाद अगर आपका ठीक है तो देते रहें। आप इसमें 15 दिन पे सरसों खली का पानी देते रहें, अगर कोई चीज़ नहीं देना चाह रहे हैं तो वर्मिंग कंपोस्ट से ये 15-15 दिन पे आप देते रहें। 3 देखिए इसका प्लांट इतना बड़ा हो गया, जब चुकने लगा था तो हम आज बांधना सोच रहे हैं, आज बांध देंगे इसको। वही जो डंटा तभी लगाए थे उसी समय, जिस समय लगा रहे थे इसका बल्ब उसी समय हम नीचे गाड़ दिए थे, इससे आज बांध देंगे। और बांधने के बाद इसका फ्लावर 5-6 फ्लावर हो गया है एक ही में। आप भी किसी नर्सरी से लाएं, अगर आपको अभी प्लांट मिल जाए तो प्लांट अगर 100 रुपये के तक मिल जाए तो आप ले आ सकते हैं, नहीं तो आप क्राफ्ट सीड वाले से मंगवा सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, मतलब इसका बल्ब मंगवाए, और तो समर का सीजन आ रहा है, समर का बल्ब मंगवाए। इस पे अगर बल्ब रखना चाहते हैं इसका प्रिजर्व करके तो आप फ्रिज में रखना पड़ेगा। देखिए फुल ब्लूम में आ गया है, अभी 2 कली बचा हुआ है। ये कितना पीला कलर अच्छा लग रहा है। मेरे पास 3 कलर का तो निकला है
और तीन चार बल्ब बचा हुआ है, लेकिन ये दो बल्ब तो छोटा हो गया है। अब देखते हैं कैसा कलर आता है। आप भी अभी कहीं नर्सरी में जाएं और वहाँ देखें जो है कि नहीं इसका बल्ब, लेकिन नहीं लाए। बल्ब लाने से ये होगा, जो अभी लगाएंगे तो बल्ब तुरंत सूख जाएगा, फ्लावर भी नहीं देगा। इसका फ्लावर बल्ब के थोड़ा बड़ा होता है, स्प्राउट निकलने लगता है, थोड़ा बड़ा होता है तभी ही इसका फ्लावर निकलने लगता है। आपका इसमें कली आने लगता है और बड़ा होते होते वो कली ही फूटने लगता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, धन्यवाद। इसे 8-9 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। आप ठंड के ऋतु में, अगर इसे थोड़ा गर्मी आपके इधर ज़्यादा पड़ रहा है, अगर इसको 25 डिग्री से ज़्यादा तापमान मिला है तो आप अगर गमला में लगाए हुए हैं तो अंदर रख दें, अगर 25 डिग्री से कम मिल रहा है तो आप बाहर ही रखे रहें। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। इसमें 8 घंटे का धूप की आवश्यकता होती है और रोज़ाना पानी आप देते रहें, ज़्यादा पानी नहीं दें, नहीं तो ओवर वाटरिंग से सूख सकता है।